आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी सीक्रेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पैन इंडिया स्टार प्रभास आज अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उनके को स्टार दोस्त और परिवार के लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रभास इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म आदि पुरुष को लेकर भी चर्चा में है। वहीं इस खास मौके पर आदि पुरुष के निर्माताओं ने फिल्म से जुड़ा एक नया पोस्टर साझा किया है। इस पोस्टर में भगवान राम के रूप में उनकी एक आकर्षक छवि नजर आ रही है। बता दें कि प्रभास भगवान राम के आदर्श अवतार में नजर आ रहे हैं। आदि पुरुष के मेकर्स ने 23 अक्टूबर को प्रभास को जन्मदिन के अवसर पर सोशल मीडिया पर पोस्टर साझा किया है। फिल्म के निर्देशक ओम रावत का कहना है कि प्रभास आज के समय में बहुत ही मेहनती अभिनेताओं में से एक है। उनका कहना है कि प्रभास में भगवान राम के दिव्य गुणों का रचना है। बता दें कि जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से फिल्म काफी ज्यादा चर्चा में है। आदि पुरुष का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ था। कहा गया था कि इस फिल्म के ट्रेलर में रावण का किरदार निभा रहे सैफ अली खान के लुक, हनुमान जी, भगवान राम और सीता का अशोभनीय चित्रण किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आदि पुरुष के निर्माता ओम रावत, प्रभास, सैफ अली खान समेत 5 लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई है। आदि पुरुष को इनके बीएफएक्स को लेकर भी ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर ने रावण के लुक को लेकर खूब मजाक उड़ाया है। लोगों का यह भी कहना है कि इस फिल्म में जो बीएसएफ दिखाया गया है बेहद ही खराब है। बीएसएफ की तुलना लोगों ने टेंपल रन गेम तक से कर डाली है। ट्रेलर में मिल रहे नेगेटिव रिस्पांस के बाद ओम रावत ने भी सफाई दी थी। ऐसे दोस्तों, अब तो देखना यह है कि इस मूवी के रिलीज होने के बाद लोगों का रिस्पांस और प्यार इस मूवी को कैसा मिलता है। बाकी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताए। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।